खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितस्येनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्वेतांगं श्वेतवस्त्रं सुतकुसुमगणे पूजितं श्वेतगन्धे क्षीरभ्योरत्रदीपे शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं परशरणं वदनं ध्याये सर्वविघ्नो। नमस्कार दगड़ियों, म्या नाम देवेंद्र सिंह रावत और म्या गांव जो गांव नाम द्यूस जो कि पट्टी लंगूर पोस्ट ऑफिस द्वारीखाल जिला पौड़ी गढ़वाल का अंतर्गत पड़दू और द्वारीखाल ब्लॉक के अंदर जो है म्यार गांव भी पड़दू, ब्लॉक भी हमारे जो है नज़दीकी। तो दगड़ियों आज मेन मकसद म्यार आप तीन वीडियो दिखाना जो है यूट्यूब पर इलेट हो कि कोई एक माँ भव्यता नहीं, कोई कुछ नहीं या कोई इन बात नहीं कि जो मैं आप लोग पर भव्यता दिखाना बोलूँ। मैं कह दूँ मैंने बड़े घर में छाई तो मैं थोड़ी सी आन जाना करूँ अपर एक झुपड़ी बना छा झुपड़ी बना मेन मकसद ये हो कि हम दूसरा को तो बोलो कि भाई क्या नाम देने कि तुम अपने गाँव आओ अपन मकान बनाओ उकराओ। तो जब तक जो मैं खुद नहीं करूँ मैं दूसरे ही जो दूसरे तय मैं राय नहीं दे सकूँ तू और ना तो दूसरे तय मैं कोई रंधरे बार दे सकूँ। मैं अभी तक अपन रंधरे बार मैं आप लोगों को बार बार बोलूँ छाई कि भाई अपनी बोली भाषा अपना लोग अपने रीति रिवाज बढ़िया लगता ना और आप लोग जो प्रदेशों में जो बैठे की आन जान रखे अपर गाँव में। लेकिन आज भी मैं आप तब थोड़ी कि मैंने इले की वीडियो बनाई और बनाना छो कि आज मैं यार मकान बिल्कुल तर कर तैयार छ और थोड़ा बहुत काम रहे बाद में करा लूला और ये झुपड़ी बनी मेरी यानी झुपड़ी तब बनाने में बताना मेरा मेन मकसद ये हो कि हरे की बताना मकसद ये कि भाई एक सुंदर रंधरे बार जाओ कि ताकि जो वरिष्ठ नागरिक होगी ना और प्रदेश में पर बाल बच्चे भी होगी ना कम से कम उतर पर उतर बढ़ाओ और कम से कम मियाँ बीवी अगर ठीक ठाक हैं तो उनका अपर गाँव में ज़्यादा रहने चाहूँ चो और हम ये भी नहीं बोलना चाहें कि जवान बच्चों को बिल्कुल नहीं बोलना चाहूँ उनका नौकरी चाकरी भी करना सब कुछ करना और किले कि हम यहाँ की वजह से हम प्लान में कर और करीब मेन भी 36 साल नौकरी कर और वैसे पहले बल्कि मैं 18-20 वर्ष में प्रदेशों में चल गया छाई। लेकिन आज भी जब मैं रिटायरमेंट तुरंत बाद में अपने गाँव और एक बार में एक काम स्टार्ट कर तो दगड़े वाला मैं आपको दिखा दूँ कि म्यारे जो चीज़ छोटी झुपड़ी कन बनी छो आज मैं भितर बहस भी कर और भितर बहस दगड़ दगड़ कीर्तन मंडली तक मंडली हमारे गाँव कहीं छू हमारे बेटी बार कीर्तन करने छे हमारे म्यार मकान में। तो लिया दगड़ा मैं आप तई मैं अग्नि दिखाऊँ भव्य दरबार सजू छू और ये दरबार में हमारे सब माँ बहन रिश्ते में जो भी लगता भाभी भी लगता चाची भी लगता बोड़ भी लगता दादी भी लगता सब Oh,
जय 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 समय पर जो एक उबर मान लो और दगड़म किचन बिच और ये तरफ जो जो म्यार जो टॉयलेट बाथरूम बड़ी चु वो भी आता दिखोलो अभी थोड़ा बहुत एक म्यार विचार कि आने वास्तव में एक खाली करवाया कि और एक मैं कृषि बागवानी किए जाए किले की मैं कृषि विभाग से रिटायरमेंट हो मतलब बड़ा शौक कृषि बागवानी करने को और जो मैं आप तक बताओ पहले एक बार मैंने वीडियो दिखाओ आप तक वो मैंने जब कोरोना काल है अपने गाँव में बिल्डू में खाली जो जगह छी वही जगह में काफ़ी कुछ करवा रहा आज वो बहुत सुंदर रूप में पैसा कमाना छे ना और मैं आ गया हूँ म्यार आंगन च और अभी एक मैं तरह काम काफ़ी रहे हूँ जब पूरे ढंग से बन जा लो तो एक बार मैं दोबर से आप लोग दिखो लो यू म्याल आप जो छुट्टी झुपड़ी चिया अरे यार मेरी चाची बैठी मेरी चाची जी मेरी चाची नाम सुदामा देवी जी और चाची जो घर में रहें और क्या करता भाई मजबूरी ची बच्चा जो प्रदेश में रहना चाहिए तो वो भी मजबूरी ची हमारी भी मजबूरी चाहिए लेकिन हमारे पर गाँव भी छोड़ो लेकिन आशा करूँ अपर भूलों सभी कि जब आप अपर जिम्मेवारी से जो मुक्त हो जाए तो आप भी जो जरूर अपर गाँव गुठियाल में अला तो लिया दगड़े में ये कमरा में जान छो ताला कमरा दिखाने में आते ही और आज मेरे पूजा भी आई भितर पेश बोला नहीं अरे भितर पेश आए आज और यो पूजा च यो पूजा पूजा जो आज हमारे हमारे ब्राह्मण छे और हमारे गिरजादत्त जी वो नाम च और गिरजादत्त जी सामने बैठे जी हमारे छुट भुला सत्येंद्र रावत और सत्येंद्र रावत जी भी पढ़े दौड़ गप सक लगाने छे आए गए तुम अरे ब्याह जी हमारे श्यादा राम जी छी वो नाम डबल सिंह रावत च और जो ये भी होता भी म्यार बुलाई आज अक ये म्यार कमरे च और दगड़ में जाइए दिखाने तो मैं आता ही हमारी किचन ची एक छुट ची ये किचन में आज पकवान बनो जो पहले दिन च तो आज बड़े काम स्टार्ट हुआ अभी तक मैं लुकलू को घर खाना चाहिए लेकिन आने वाला समय में जो मैं अपने घर में खुद बनाओ ला हमें और अरे मेरे शहर बीच वाल शहर बड़े वाल शहर तो खैर थोड़ा तबियत ठीक नहीं ले गए अली सागर और मेरे सबसे छोटी शहर शोभा रावत शोभा रावत यू कपल डी मैं बीमा है ना और ये मेरे भुली च और यानी मेरा बीच वाल शहर के श्रीमती जी जो कि मेरे भुली लग जाने आप दौड़े में आप तई आप सोच दर तरह के आते दिखाना चाहो मैं इस समय पर म्यार टॉयलेट बाथरूम झुपड़ ची मत बड़ी दिखाने में आते ही यानी वो एक म्यार चलते घर चल रूक में घर के सामने खड़ू मत ही और ये बड़े दिखाने में आते ही और ये हो हमारे बड़े बड़े इन दिखे दो मेरी झुपड़ी और मत बड़े इन दिखे दो ये एक समय पर इतना सुंदर व्यू अच्छा तबड़े में एक चीज़ और बताओ मैं आता ही कि मत कम से कम मतलब यहाँ तो बहुत मतलब दो तीन महीने से ऊपर ही होगी तरह में आना छो कभी कभी दिल्ली से आना छो और फिर वापस आना छो तो पाँच छः दिन बैठे थे उस समय मौसम इतना सुंदर हुई कि बहुत ठंड मौसम और बहुत सुंदर मिल इतना मजा आना मत पूछो हाँ तो दगड़े में सिर्फ ही मचाना चाहिए कि म्यार मेन मकसद जो ची वीडियो बनाई हो कि कोई मेरा पर भव्यता नहीं दिखाने आप लोग तक कहते भी म्यार सिर्फ मतलब ये हो कि भाई हमने जो मैं हम भी जो जीवन में करीब 20-21 वर्ष लगभग हम दिल्ली निकल गया छाई परदेशों में और परदेशों में तो जाने पड़ा बस जाकर या कोई सुख सुविधा नहीं छाई यानी पढ़े भी इतना खास नहीं छाई हॉस्पिटल सुविधा नहीं छाई रोजगार को बहुत अभाव छाई तो हम तो एक बार यहाँ जैसे तो परदेश में जानी पड़ लो और जान में चेड़ लेकिन जब वे बाबू मन छोमी कि जो अपर बाल बच्चों तक परदेश में लिखी वे बाबू ने उनते पढ़ाई लिखाई रिवे विवेगी और आज बिल्कुल बढ़िया सेटल छे ना तो कम से कम उन जरूर सोचो चुन उन बूढ़ बूढ़े होता है जो हाथ पाँव ठीक ठाक चलना छे ना वो अपर गाँव में आवा और अपर जो जो कुछ कूट छे जरूर बनावा और जब आप लोग आना जाना रेला तो बहुत बढ़िया रहा लो और जब मैं भी बोलूँ कि जब घर का द्वार खुले आना ना तो 100% मैं आप तक गारंटी दूँ कि आपको बेटी बुआरी भी आपको द्वार खुले आने वाला तो जरूर आपको घर में आला और गाँव में भी एक नई रौनक आ जाती और तो दगड़ो म्यार मैं बार बार अपने वीडियो में बार बार भूल रहे हूँ कि अपनी बोली भाषा अपना लोग अपने रीति रिवाज बहुत सुंदर लगता है और हम तो भाग्यवान था जो हमने उत्तराखंड में हमने जन्म लिया और देखा कुछ कुछ जो मकान जो आप उजड़ा दिखने वाले मत थी भैर भी नाजी मंदिर चमठ समेट पर तो उजड़ा ये लेकिन कि कुछ तो छनी छी यानी गौशाले छी और कुछ मकान जो छी कि वाक्य में ज़्यादातर ना कुछ कुछ मकान जो थोड़ा खराब भी हुएगी तो उन लोग उसे भी मैं आप गाँव वालों से भी मैं प्रार्थना करती हूँ वो भी भैया आप आना जरूर रखा और तो दगड़ो ज़्यादा के मन में आते ही
बस ये सुंदर डांडी कांडी को मुल्क बड़े देवदूतों की भूमि बड़े आप ही सेवा सेवन लगा दूँ और नमस्कार। और दगड़ो एक बात और, जब भी आप लोगों तक में कोई वीडियो पहुँचा दूँ दगड़ो आपसे हाथ जोड़ी प्रार्थना कर दूँ कि वीडियो तक अग्नि बढ़ाण और पसंद भी करण, अपने कमेंट भी लिखने यानी अपने विचार भी लिखने, तब मैं वैसे कि मैं उस संवर्धन हूँ और मैं आने वाले समय आप तक ये सभी बहुत सुंदर सुंदर वीडियो आप तक पहुँचा लूँ और मैं पूरी मोच कि आप लोगों तक वीडियो जरूर पसंद है। नमस्कार।